ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पीएचडी दाखिले के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए दिशा निर्देशों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुषमा जी। पहला प्रश्न मेरा आपसे यह है कि 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद अब विद्यार्थी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया किस तरह से संचालित होगी, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दें। जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अब हम शिक्षा व्यवस्था में जो परिवर्तन ला रहे हैं उसका एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। जी, अभी तक ये होता था कि पहले बच्चा स्नातक करता, फिर स्नातकोत्तर करता, यानी अंडर ग्रेजुएट करता, फिर पोस्ट ग्रेजुएट करता, उसके बाद पहले एमफिल करता, फिर पीएचडी की तैयारी करता, कहीं कहीं पीएचडी भी हो जाती थी डायरेक्ट, और उसके लिए फिर वो एक एंट्रेंस टेस्ट देता था। हर विश्वविद्यालय का लगभग अपना एंट्रेंस टेस्ट होता था, उसी प्रकार से बाकी इंस्टीट्यूशंस में भी होता था। जी। लेकिन हम लोग जो लाइट बट टाइट रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, उसी के अंतर्गत और बच्चों को ये अवसर भी देना चाहते हैं कि जो ब्राइट बच्चे हैं, जो विलक्षण बच्चे हैं या मेधावी बच्चे हैं, जी, वो इसके लिए जल्द तैयार हो जाते हैं, तो उन्हें जल्दी अवसर भी मिल जाए शोध के लिए। जी। और यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के भी अनुरूप है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो नई व्यवस्था आई है उसमें ये यूजीसी ने अभी अनाउंस किया है कि 4 वर्ष का जो स्नातक कार्यक्रम करेगा बच्चा, जिसमें 3 ईयर ऑनर्स होता है और चौथे में जाकर के वो रिसर्च के लिए तैयार हो जाता है। राइट। तो जैसे ही वो 4 वर्ष की ये डिग्री को कर लेगा, लेकिन एक शर्त और भी है कि उसमें 75% मार्क्स भी उसके होने चाहिए ग्रेड्स में, और इसके इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए, वो डायरेक्टली पीएचडी परस्यू करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। जी। और उससे आगे भी उसमें फिर उसको सुविधा दी गई है, अब वो नेट में भी अपियर हो सकता है। अच्छा। क्योंकि अभी तक ये था कि नेट को हम पीजी के बाद ही कर सकते थे, तो वो नेट में भी अपियर हो सकता है, लेकिन शर्त यही है कि 75% मार्क्स उसके होने चाहिए, तब वो डायरेक्टली पीएचडी परस्यू कर सकता है। जी सुषमा जी, आपने ये बता दिया कितने प्रतिशत अंकों का होना अनिवार्य होगा पीएचडी और इसके लिए। तो ये जो पीएचडी कोर्स को लेकर के नया यूजीसी ने फ्रेमवर्क बनाया है, ये फ्रेमवर्क किस तरह से काम करेगा? हाँ, और ये बहुत सुंदर फ्रेमवर्क है, इसलिए कि अभी तक क्या होता था, बच्चे अपनी जब डिग्री कर लेते थे उसके बाद फिर वो देखने लगते थे उनका विषय कहाँ अवेलेबल है, कहाँ उस विषय में सीट मिल रही है, कहाँ उस विषय में पीएचडी की जा सकती है, उन्हें गाइड भी मिल जाएंगे, और फिर वहां वहां वो अप्लाई करते और वहां वहां वो टेस्ट देते और उसके बाद वो वहां फिर इंटरव्यू फेस करने जाते। जी। यानी जो बच्चे थे दे वुड रन अराउंड, तो कहते हैं ना, पहले इस विश्वविद्यालय फिर उस विश्वविद्यालय, पहले इस डिपार्टमेंट फिर उस डिपार्टमेंट। लेकिन अब मैं इसकी बहुत प्रशंसक हूँ वस्तुतः ये जो व्यवस्था आई है, क्योंकि नेट के साथ साथ नेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया एक तरह से हमारा, जो शिक्षा के लिए एलिजिबिलिटी माना जाता है। जी। नेट ही जेआरएफ के लिए भी टेस्ट हो गया, जिसका हायर परसेंटेज होगा वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्राप्त करेगा, और यही पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट भी हो गया। यानी एक तीर से हम दो नहीं कई शिकार कर रहे हैं। जी। बच्चा नेट का एग्जाम देगा, नेट की तैयारी करेगा, उसी के साथ वो जेआरएफ के लिए भी तैयारी करेगा, उसी के साथ ही सेम एग्जाम से ही वो इन सब के लिए एलिजिबल हो जाएगा, और एक प्रकार से सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और धीरे धीरे बाकी यूनिवर्सिटीज इसमें आ जाएंगी, धीरे धीरे वो अपनी व्यवस्थाएं बदल रही हैं, तो एक प्रकार से वो सभी विश्वविद्यालयों में पीएचडी का एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लेगा। जी। उसके बाद जहां भी सीट अवेलेबल होगी, जहां भी उसको विषय पसंद आएगा और जहां भी उसका इन दोनों चीजों का तालमेल हो जाएगा, वहां वो एडमिशन ले सकेगा पीएचडी। यानी एक प्रकार से स्कूल के बाद 4 वर्ष अपना डिग्री लेने के बाद बच्चा सीधा पीएचडी में एडमिशन ले सकेगा। जी सुषमा जी, पीएचडी में अप्लाई करने के लिए विद्यार्थियों के पास ग्रेजुएशन या मास्टर्स की डिग्री होना अभी तक अनिवार्य हुआ करती थी, लेकिन अब 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद वो इसे आसानी से पीएचडी के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जेआरएफ जो लोग करना चाहते हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएट होना आवश्यक होगा या इसी से वो मतलब डायरेक्ट करवाएंगे? बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे इसमें। नहीं, जब वो पीएचडी के लिए तैयार हैं तो वो जेआरएफ के लिए अवश्य ही तैयार है। जी, यही एग्जाम होगा जिससे वो जेआरएफ के लिए भी तैयार होंगे,
पीएचडी के लिए भी तैयार होंगे और नेट भी कर लेंगे। और यहाँ मैं ये बात भी अवश्य ही बताना चाहती हूँ, इसको अंडरलाइन करना चाहती हूँ जी जी जरूर, कि इसमें 5% का जो अभी तक भी व्यवस्था चल रही थी, तो वो सब जो वंचित समुदाय से आते हैं या उस समुदाय से आते हैं जिनको अभी तक हम विशेष सुविधाएं दे रहे हैं, उनको 5% का रिलैक्सेशन इसमें भी दिया जाएगा। और एक और जो बहुत ही अच्छी नई और सुंदर बात है जी, वो ये भी है कि यह रेगुलेशन या यूजीसी का जो स्टेटमेंट आया है वो ये भी कहता है कि 4 वर्ष का अंडर ग्रेजुएट करने वाले स्टूडेंट अब किसी भी विषय में पीएचडी परस्यू कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन। यानी उनके पास उन्होंने बैचलर किया है, हाँ जी, यानी अगर अंग्रेजी में किया है या हिंदी में किया है या राजनीति विज्ञान में किया है या समाज विज्ञान में किया है या अर्थशास्त्र में किया है, इनमें से किसी भी विषय में, और इसी प्रकार साइंसेज में भी कहा जाएगा, जिसमें भी किया है, अब वो पीएचडी जिस विषय में करना चाहेंगे उसके लिए वो एलिजिबल होंगे। क्योंकि ये जो 4 वर्ष का अंडर ग्रेजुएट कोर्स बनाया गया है इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच रखी गई है, तो वो बच्चे अब ये नहीं होगा अगर मैंने राजनीति विज्ञान ले लिया तो मैं बंध गई उसी के साथ जी, और मैं किसी और विषय की ओर देख ही नहीं सकती। अब बच्चे किसी भी विषय में जो उन्हें रुचिकर लगेगा, जो उन्हें अपने लिए अधिक उपयुक्त लगेगा, जो उन्हें मार्केट के लिए भी उपयुक्त लगेगा, जो उन्हें उस समय की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त लगेगा या उनका हृदय उस तरफ होगा जी, उस विषय में वो पीएचडी कर पाएंगे। यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन है मैं कह सकती हूँ, क्योंकि इससे हम सिलोस से बाहर निकलेंगे, इससे हम उन कंपार्टमेंट्स में से बाहर निकलेंगे जो हमने शिक्षा, जिसको हमारे यहाँ विद्या कहते थे, शिक्षा शब्द हमारे यहाँ प्रयुक्त ही नहीं होता था, बिल्कुल, बिल्कुल विद्या कहते थे, और विद्या को इस प्रकार से बांट दिया गया कि वो विद्या ही नहीं रही, वो सच में ही शिक्षा रह गई सिर्फ, और वो भी किताबी शिक्षा कि आपने इस विषय की किताब पढ़ ली और आप उसमें पारंगत हो गए। लेकिन हम उनसे बाहर निकल रहे हैं, इसमें मानसिक व्यवस्था भी बदलनी पड़ेगी, सोच भी बदलनी पड़ेगी, मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी और शैक्षणिक व्यवस्था को भी उस पुरानी सोच से बाहर निकलना होगा। राइट, ये प्रारंभ है, एक नए युग का प्रारंभ है, क्योंकि हम जो कह रहे हैं हमें नवाचार चाहिए, हमें सृजनात्मकता चाहिए, हमें नई खोज चाहिए, नए अनुसंधान चाहिए, नए आविष्कार चाहिए, वह सब इस प्रकार के परिवर्तन से होगा, यह उस परिवर्तन का प्रारंभ है एक तरह से जी। सुषमा जी, अभी आपने थोड़ा सा कुछ वर्गों की बात कही, अगर हम अनुसूचित जाति के जो बच्चे होंगे उनकी बात करें या अनुसूचित जनजाति के अन्य पिछड़ा वर्ग के होंगे, दिव्यांग होंगे या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के जो बच्चे होंगे जो इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, उनको किस प्रकार से सहूलियत मिलेगी, थोड़ा सा इसके बारे में और ज्यादा अगर विस्तार से जानकारी दे तो बेहतर होगा। जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है और विशेष तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत यह बात की गई है कि यह समावेशी शिक्षा व्यवस्था होगी, और उन सब बच्चों को जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वे किसी भी वर्ग से आते हों, उन्हें यह अवसर प्रदान करेगी। तो इसलिए जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों से और दिव्यांगजन है या आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग हैं, और इसमें अभी महिलाओं के लिए तो आवश्यकता नहीं पड़ी है, लेकिन अगर कहीं आवश्यकता होगी उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा जी। उन सबके लिए व्यवस्था की गई है, एक तो कि उनको 5% जहां जहां एप्लीकेबल है वह 5% की रिलैक्सेशन इस 75% में दी जाएगी जी, जो हम मांग रहे हैं अभी जी, इसके लिए जी। और साथ ही साथ उनके लिए आगे यह भी है कि यदि कहीं साधनों की कमी होगी तो वह साधनों की कमी भी दूर की जाएगी। ये शिक्षण संस्थान जो है वह यह व्यवस्था करेंगे कि केवल साधनों की कमी से, चाहे लोन की आवश्यकता हो तो वह करें, फी वेबर की आवश्यकता हो तो वह करें, उनको इस प्रकार का अवसर दिया जाएगा कि वह उच्च शिक्षा में प्रवेश भी कर सके और इस प्रकार के अनुसंधान और शोध भी कर सके। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह प्रावधान भी है कि एक रिसर्च फाउंडेशन बनाने की बात, जिसके लिए पहले ही पैसा आवंटित किया जा चुका है सरकार द्वारा, तो जो वह हमारी रिसर्च फाउंडेशन है, शोध फंडिंग एजेंसी होगी एक तरह से जी, वह भी इन बच्चों के लिए फंडिंग या राशि मुहैया कराएगी जी। सुषमा जी, और साथ ही साथ जो शिक्षक हैं उनका भी ये धर्म होगा, कर्तव्य होगा कि इन बच्चों को इस नई व्यवस्था में सही प्रकार से प्रवेश दिला सकें, क्योंकि नई व्यवस्था है ये, डिसिप्लिन के बंधन टूट रहे हैं, और बहुत से इनमें बच्चे ऐसे होते होंगे जो कई बार एक विषय में प्रवेश तो ले लेते हैं लेकिन उस विषय को चला नहीं पाते हैं और लगता है दूसरा विषय अच्छा हो सकता है, तो उनके लिए भी इस व्यवस्था में नए अवसर प्राप्त होंगे
जी सुषमा जी, पीएचडी की डिग्री लेने के बाद अगर कोई विद्यार्थी सहायक प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नौकरी करना चाहता है तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगी उन बच्चों को? देखिए, उन्होंने नेट कर लिया, वो एलिजिबल हो गए, ठीक है जी। तो एलिजिबल तो पक हो गए, लेकिन ये सलाह मैं उन्हें अवश्य देना चाहूंगी कि वह जरूर देखें, अगर वह शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो वो अवश्य रिसर्च में आए भी, और वहीं ये भी देख लें कि कहाँ कहाँ स्कोप अधिक है, किन किन विषयों में अभी वैकेंसी ज्यादा हैं, तो उन विषयों में यदि वो जाएंगे और उनमें उनकी रुचि भी होगी तो उनके लिए अवसर अधिक अच्छे होंगे। जैसे अगर मैं 40 वर्ष पुरानी बात करूं तो मेरे तीनों विषयों में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में बहुत अच्छे अंक थे, राजनीति विज्ञान में उससे कम थे, पर हमारी शिक्षक जो थी, हमारी प्राचार्य थी, रादर प्रिंसिपल थी कॉलेज की, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता मैं तुम्हें संस्कृत में लेती, लेकिन बेटे मैं गारंटी नहीं दे सकती उसमें नौकरी की, क्योंकि नौकरियां बहुत कम है। यह व्यवस्था बदली है अब, लेकिन इस प्रकार से मेंटर भी मिले, इस प्रकार से टीचर भी मिले, और इस प्रकार का आभास ये युवा वर्ग भी कर सके, तो फिर पीएचडी करने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में एंट्री उनके लिए सरल होगी और वह सहायक शिक्षक अवश्य ही लग पाएंगे। सुषमा जी, 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद विद्यार्थी जो होंगे कितने समय तक पीएचडी के लिए अप्लाई करने के पात्र होंगे? क्योंकि बहुत से विद्यार्थी कुछ अन्य विधाओं में चले जाते हैं या कुछ अन्य तैयारियों में लग जाते हैं, तो कितना समय उनके पास होगा, कितने समय के अंदर आपको करना होगा या कभी भी कर सकते हैं? इसमें तो रेगुलेशंस में ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी पीएचडी के लिए बंधन बहुत नहीं है जी, तो वो ऐसा कर सकते हैं, और यही एक क्षेत्र है जिसमें इस तरह के बंधन भी कम है कि आपके पास सिर्फ इतनी अपॉर्चुनिटी है या इस उम्र तक कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा में तो जितना अधिक मैच्योर होते जाएंगे और शोध उन्हें मैच्योर करेगा भी, उतना ही वह अच्छे शिक्षक भी बनेंगे। लेकिन मैं ये आग्रह अवश्य करना चाहूंगी कि जो शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहते हैं वो जितनी शीघ्र यह निर्णय लेंगे उतना ही उनके लिए अच्छा होगा, और मैं समझती हूँ शिक्षक वह होना चाहिए जो प्रथम दृष्टया ये समझ ले कि वह शिक्षक बनने के लिए उपयुक्त भी है और शिक्षक बनने की चाह भी रखता है, तब इस देश की शिक्षा व्यवस्था में वस्तुतः वह सुधार आएगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी अपेक्षा करती है और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए हम भी अपेक्षा करते हैं। जी सुषमा जी, नौकरी पेशा व्यक्ति भी इस नई व्यवस्था के तहत पीएचडी कर पाएंगे? जो मतलब अभी 4 साल का कोर्स करेंगे उसके बाद वो किसी नौकरी को ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या वो एलिजिबल होंगे ये कोर्स करने के लिए? उनके लिए व्यवस्था सदैव रहेगी, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो देखिए पहले ही कह रही है कि इस प्रकार के बंधनों को धीरे धीरे समाप्त करना चाहती है, जो बंधन अभी तक लगा दिए गए हैं। सा विद्या या विमुक्ता है, हमारे यहाँ कहा जाता है, जो विद्या मुक्त करती है वह विद्या स्वयं बंधनों में जकड़ी कैसे हो सकती है। इसलिए यदि कोई बच्चा उसके बाद किसी जॉब में चला जाता है या किसी और कार्य व्यवसाय चुन लेता है, उसके पास भी अवसर अवश्य रहेगा। ये नेट कितने दिन तक चलेगा इसकी रेगुलेशंस बनेंगी और वो क्लियर होकर आएंगी, तब रूलिंग हम इस पर स्पष्ट दे पाएंगे। लेकिन इतना मैं आश्वस्त होकर कह सकती हूँ और आश्वस्त करना भी चाहती हूँ कि उनके लिए बंधन नहीं होंगे जो पीएचडी करने या शोध करने वापस आएंगे। देखिए, हमने तो शिक्षा व्यवस्था को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के माध्यम से उन लोगों के लिए भी खुला छोड़ दिया है, अब जो कई वर्षों से किसी व्यवसाय से जुड़े हैं, वहां पर उस व्यवसाय में उन्होंने पारंगत हो गए हैं या विशिष्ट निपुणता हासिल कर ली है, तो वह अब प्रोफेसर बन सकते हैं। तो उसी प्रकार से पीएचडी भी उन लोगों के लिए, शोध की जो स्थिति है वह भी उनके लिए खुली रहेगी, यदि वह कहीं से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेकर या किसी भी जॉब का अनुभव लेकर फिर से शोध की तरफ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत होगा। इसके बारे में डिटेल रेगुलेशंस जो हैं वह अभी बहुत जल्दी ही यूजीसी हमारे सामने ले आएंगे, और इसीलिए ये बात कही भी गई है क्योंकि अभी नई व्यवस्था आरंभ हो रही है। लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकती हूँ कि वह उन सब के लिए फ्रेंडली व्यवस्था होगी जो इस प्रकार से ब्रेक लेना चाहते हो या ब्रेक करने के लिए बाध्य हो गए हो। जी सुषमा जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, चर्चा करने के लिए और जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पीएचडी दाखिले के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए दिशा निर्देशों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है
nsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।